राजस्थान में भी लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटों में 78 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ पिछले 12 घंटे में 2 मरीजों की भी मौत हुई। उदयपुर और राज्य से बाहर एक व्यक्ति की मौत। 29 केसेस अकेले राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। झुंझुनू से 18, अजमेर से 4, अलवर से 9, भरतपुर से 2 केसेस, दौसा, नागौर, टोंक और उदयपुर से 1-1, श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर से 5 कोरोना पॉजिटिव आज मिले। कोटा में भी 2 और राजस्थान में कुल संख्या जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़कर 12,772 फिलहाल। इसी के साथ में मरने वालों की संख्या राजस्थान में 294 फिलहाल हो गई है। लगातार राजस्थान में कोरोना का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। कोरोना का ग्राफ जो है राजस्थान में वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 12 घंटों में 78 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए और 12 घंटों की अगर बात करें तो 2 मरीजों की मौत भी हुई। उदयपुर और राज्य के बाहर के एक व्यक्ति की मौत पिछले 12 घंटे में हुई है और 29 केसेस अकेले राजधानी जयपुर से आज भी सामने आए। झुंझुनू से 18, अजमेर से 4, अलवर से 9 और भरतपुर से 2 मामले सामने आए। दौसा, नागौर, टोंक और उदयपुर से 1-1 मामला कोरोना का सामने आया। श्रीगंगानगर और सवाईमाधोपुर से 5, कोटा से भी 2। इसी के साथ राजस्थान में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ चली है। राजस्थान में अब तक कोरोना से 294 लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन इन सभी के बीच में राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की जो रिकवरी दर है उसने भी अपनी गति को पकड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा है। 10,000 के आसपास ये आंकड़ा है जो लोग इससे ठीक हो चुके हैं और इसमें से बहुत ज्यादा ये संख्या है जो अपने घरों के लिए डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर सुदूर रूप से जारी है। प्रशासन, चिकित्सा महकमा पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता जा रहा है। 12,700 के पार राजस्थान भर से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। और झुंझुनू से एवन संवाददाता सुजीत शर्मा फिलहाल अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत बताएं झुंझुनू की फिलहाल क्या स्थिति है। जी देखिए, आपको बता दूं कि झुंझुनू के अंदर जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झुंझुनू के अंदर आज एक बड़ा धमाका कोरोना का हुआ, बड़ा विस्फोट झुंझुनू में कोरोना का हुआ। एक साथ 18 जो अब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले थे, एक साथ 18 जो झुंझुनू में पहली बार आज कोरोना पॉजिटिव मिले, इसी को लेकर कुल 236 अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो झुंझुनू में हो चुकी है। लेकिन इसमें अधिकांश जो लोग है वो बाहर से आने वाले प्रवासी है, वही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जी सुजीत, इनके अभी प्रशासन, चिकित्सा महकमे के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी देखिए, बिल्कुल जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं इनके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। वो क्वारंटाइन के लिए भी एक क्वारंटाइन भी प्रवासियों को किया जा रहा है और साथ ही साथ वो जो पॉजिटिव पेशेंट मिले उनके जो संपर्क में आए हैं उनकी हिस्ट्री तैयार की जा रही है और उनकी जाँच जो समय समय पर की जा रही है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया सुजीत। लगातार राजस्थान भर से कोरोना के केसेस में इजाफा। पिछले 12 घंटों में 78 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए। 294 लोगों की मौत अभी तक राजस्थान भर से हो गई है। 12,700 के पार ये संख्या पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 10,000 से अधिक की वो संख्या है जो रिकवर हो चुके हैं। आंकड़ा बहुत बड़ा है और राजस्थान का पूरे देश में अभी तक सबसे ज्यादा ठीक होने वाला जो ग्राफ है उसमें भी प्रथम स्थान पर राजस्थान है। लगातार चिकित्सा महकमे के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ अलवर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर शर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर बताएं अलवर की क्या फिलहाल क्या तस्वीर है। जी जयती, बताना चाहूंगा कि अलवर में कोरोना के जो पेशेंट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ताजा रिपोर्ट में आज 12 पॉजिटिव आए हैं, 9 नए केस हैं और 3 केस रिपीट हुए हैं। जी जयती चंद्रशेखर, आपने बताया 3 केसेस रिपीट हुए हैं, तो 3 केसेस वो लोग हैं जिनको कोरोना पहले था, उसके बाद वो नेगेटिव हो गए और एक बार फिर से कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये एक नई चिंता का विषय है कि इस प्रकार से लोग ठीक होने के बाद वापस से पॉजिटिव आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो 3 केस रिपीट हुए हैं वो पहले ठीक हो चुके थे, कोरोना पॉजिटिव आए थे लेकिन इनका ट्रीटमेंट हुआ था और 15 दिन बाद ये ठीक हो गए थे, वो घर भी जा चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम दोबारा होने पर उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनका कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बाद चिकित्सा विभाग में भी थोड़ा संचय मचा हुआ है कि जो केस ठीक हो रहे हैं वो फिर से रिपीट आ रहे हैं, तो वास्तव में चिंता का विषय है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, चिकित्सा विभाग के द्वारा क्या अभी तक कोई तरीके की बात सामने आई है कि जो लोग अभी तक ठीक होकर जा चुके हैं क्या उनके एक बार फिर से सैंपलिंग कराई जाए? चूंकि 3 लोग यहाँ पर निकल चुके हैं तो हो सकता है कि बाकी जो लोग थे उनमें भी इस प्रकार के सिम्टम्स वापस पनपने लगे हों।
जी बिल्कुल, जिनमें पॉजिटिव केस आए और ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा उनको प्रॉब्लम हुई और तो उन्होंने जांच कराई, लेकिन जिनके प्रॉब्लम नहीं हो रही है उन वो वापस केस सामने नहीं आ रहे हैं, जिससे चिकित्सा विभाग में भी संचय की स्थिति बनी हुई है। चूंकि वैक्सीन आई नहीं है, दवाई आई नहीं है, इसके बावजूद भी जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उससे कुछ ठीक हो रहे हैं, लेकिन ठीक होने के बाद दोबारा रिपीट होना चिंता का विषय है। जी 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 बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। राजस्थान भर से कोरोना के केसेस में इजाफा, कोरोना को हराने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश की सरकार। 294 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है कि राजस्थान ने इस चीज में कोरोना की महामारी में जंग लड़ने के लिए अपनी पूरी सेना को तैयार किया हुआ है। चिकित्सा महकमे की अगर बात करें तो यहां पर लगातार टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही है। 25,000 से ज्यादा टेस्ट फिलहाल प्रदेश भर से रोजाना हो रहे हैं, एक क्षमता है प्रतिदिन की। और फिलहाल जो एक्टिव केसेस है वो 2,836 है राजस्थान में, 12,700 इनकी कुल संख्या है, जिसमें से 2,836 केसेस फिलहाल एक्टिव हैं। इसके अलावा सभी ठीक हो चुके हैं और अधिकांशतः तो इसमें से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, पिछले 12 घंटे में 78 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल जो एक्टिव केसेस की दर है वो खाली 2,836 है। क्या तमाम अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश में आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश में जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12,772 है, तो वहीं जो अब तक ठीक होने वालों की संख्या भी 9,621 हो चुकी है। जिस तरह से बात करें प्रदेश में आज 78 कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट जो सुबह आई उसमें सामने आए हैं, तो वहीं जो आज की बात करें तो आज सुबह रिपोर्ट के अनुसार 65 जो कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। ऐसे में लगातार कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज करने वालों का दर भी लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदेश में अब तक जहाँ 9,631 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं, वहीं जो 9,340 कोरोना पॉजिटिव उनको ठीक होने के बाद में डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। ऐसे में लगातार सरकार की ओर से तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं, और अब जो कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ में जिस तरह से सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए उसमें अब तक तकरीबन 6,00,000 लोगों की कोरोना की जांचें हो चुकी हैं प्रदेश में। जो टोप इनके हर पायदान पे देखा जाए तो राजस्थान को देश के स्तर पर हर पायदान में राजस्थान अव्वल नंबर पर है। बात करें तो कोरोना पॉजिटिव रिकवरी रेट हो चाहे फिर कोरोना से जांचों को लेकर, जो तमाम जो 10 ऐसे पायदान हैं जिनमें राजस्थान बेहतर स्थिति में है देश को अनुपात में देखा जाए तो, राष्ट्रीय स्तर के अनुपात में देखा जाए तो। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकार की ओर से जिस तरह से जो प्रयास किए गए, जिस तरह से पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया था उस समय राजस्थान में जांच सुविधा बिल्कुल जीरो थी, और उसी को बढ़ाकर अब तक तकरीबन 25,000 से अधिक जो जांच कैपेसिटी है वो कर दी गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि अब जल्द ही इस जांच कैपेसिटी को 40,000 कर दिया जाए, और बताया जा रहा है कि जून के अंत तक यह जो जांच कैपेसिटी है वो 40,000 कर दी जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकथाम को लेकर तमाम जो इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने जो कल निर्देश दिए हैं कि जो प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लोगों को भी अब जांच सुविधा उपलब्ध करवाएगा, वहां के राज्यों को भी अब जो प्रदेश में जांच सुविधा उपलब्ध होगी। पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के जो राज्य और दिल्ली के लोगों की भी जांच की जो सैंपल है वो राजस्थान में होंगे, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से जांच कैपेसिटी लगातार बढ़ती नजर आ रही है उसको देखते हुए जो तमाम इंतजाम है वो बेहतर किए जा रहे हैं, और उतनी संख्या में उन राज्यों में जांच कैपेसिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है, और उसी को देखते हुए अब पड़ोसी राज्यों की भी मदद करने के लिए राजस्थान आगे आ रहा है। और उसी जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया लोकेश।